कहते हैं जो भी अस्थियां इस नदी में विसर्जित की जाती है वो पूरी तरह से पानी में घुल जाती है, हड्डियां बिल्कुल नहीं बचती। जी हाँ, सनातन धर्म में कर्मकांड के बाद अस्थि और बाल पवित्र जल में विसर्जित करने की परंपरा है। अधिकतर लोग अपने आसपास की नदी में अस्थि विसर्जन कर देते हैं। देश के पवित्र नदी गंगा के अलावा ताप्ती नदी में भी कर्मकांड और अस्थि विसर्जन करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है। भारत देश में केवल नर्मदा, ताप्ती और मही नदी ही मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुलताई से उत्पन्न होकर सतपुरा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। आपको बता दें, ताप्ती नदी विश्व की एकमात्र नदी है जिसमें हड्डियों को भी गलाने की क्षमता है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों का मृत्युपरांत अस्थि विसर्जन यहीं करने की अंतिम इच्छा रखते हैं। ताप्ती महापुराण में भी इसका वर्णन किया गया है कि ताप्ती नदी में अस्थियां विसर्जन करने से अस्थियां पानी में घुल जाती हैं। ताप्ती के नागझिरी घाट पर भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव ने विश्वकर्मा के पुत्री संजना से विवाह किया था। संजना से उनकी दो संतानें हुई, कालिंदनी और यम। मान्यता है कि संजना को जब सूर्य की तपिश सहन नहीं हुई तो वे अपनी दासी छाया को पति की सेवा में सौंप कर तपस्या करने चली गई। छाया ने संजना के रूप में काफी समय तक सूर्य की सेवा की। सूर्य से छाया को शनि और ताप्ती नामक दो संतानें हुई। सूर्य ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया कि वो विनय पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर बहेगी। रामायण के अनुसार श्री राम ने ताप्ती तट पर लक्ष्मण एवं माता सीता की उपस्थिति में पिता का तर्पण कार्य ताप्ती नदी में ही किया था और तब जाकर महाराज दशरथ की आत्मा को शांति मिली थी। श्री राम ने ताप्ती तट पर बारह लिंग नामक स्थान पर विश्वकर्मा के सहयोग से बारह लिंगों की आकृति चट्टानों पर उकेर कर प्राण प्रतिष्ठा की थी। बारह लिंग में आज भी श्री राम एवं सीता की उपस्थिति के प्रमाण मौजूद हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यदि अनजाने में भी किसी मृत देह की हड्डी ताप्ती में प्रवाहित हो जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। यही नहीं, अकाल मृत्यु के शिकार बनी देह की अस्थियां ताप्ती जल में प्रवाहित करने से मृत आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ताप्ती के जल में बिना किसी विशेष विधि विधान के किसी अतृप्त आत्मा को आमंत्रित कर उसे दोनों हाथों में जल लेकर उसकी शांति एवं तृप्ति का संकल्प कर जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो मृतात्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी ताप्ती नदी की कथा। कैसी लगी आपको हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।